और चलिए अब रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र के सोलापुर का, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के सोलापुर में लोकसभा क्षेत्र में हैं और सीएम इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां उनका संबोधन आप देख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। अपने कृत्यों पर इनको कभी पश्चाताप नहीं होगा। और बहनों और भाइयों, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू आस्था पर कुठाघात करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। कांग्रेस साथी तो 65 वर्षों तक शासन करने का उसे अवसर मिला था। वह भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकती थी, देश को नक्सलवाद आतंकवाद से मुक्त कर सकती थी, लेकिन आतंकवाद की जड़ कांग्रेस, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, गरीबी कांग्रेस ने दी, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने दिया, देश की सुरक्षा में सेंध कांग्रेस ने लगाया। और अब तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ओबीसी अति पिछड़ी जाति यानी पिछड़ी जाति के आरक्षण पर और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर भी सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बताता है, वह कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है? कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि यूपीए सरकार के समय कांग्रेस ने यही प्रयास किया था। उस समय उसने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या हम अपने पिछड़ी जाति के लोगों के हक को किसी दूसरे को बांटने देंगे क्या? हिंदुओं का आरक्षण किसी को मिलना चाहिए क्या? और सच्चर कमेटी गठित करके इन्होंने मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी की विरोध किया था तब ये बच पाया था। आज गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाने के लिए आज कांग्रेस ने साजिश रच दी है और इसीलिए अब वह तमाम प्रकार के झूठ का सहारा ले रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है देश के अंदर, बहनों और भाइयों, ये देश की महासमस्या है। इस समस्या को जितनी जल्दी आप अपने से दूर कर पाएंगे, देश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। ये भारत के विकास का बैरियर है।